पता नहीं क्या खिलाना चाहिए, क्या करना चाहिए, कुछ भी खिला रहे हैं। और इतना ही नहीं, लोग क्या खिला रहे हैं, बच्चों को देते बॉर्नविटा। अब ये बॉर्नविटा क्या है? तो ये बॉर्नविटा जो है, ये जो ग्राउंडनट होता है, ग्राउंडनट में से जब तेल निकाल लेते हैं तो पीछे जो बचता है उसको हम लोग कहते हैं खल, खली कहते हैं। ये खली जो है, इस खली को थोड़ा क्रिस्प बनाते हैं, उसके अंदर थोड़ा कोकोवा फ्लेवर डालते हैं, उसके अंदर थोड़ा चॉकलेट फ्लेवर डालते हैं, थोड़ा इलायची इलायची कुछ फ्लेवर डालते हैं, और वो हो गया बोर्नविटा। अब जो चीज बकरे को खिलाने की चीज है वो हम बच्चे को खिला रहे हैं, और इसलिए बच्चा जो है मैं करता रहता पूरे जीवन भर, तो उसमें गलती उसकी है कि उसकी मां की है? शंकराचार्य जी कहते हैं कि माता कुमाता नहीं होती है, तो ये बॉर्नविटा खिलाने वाली मां क्या है? तो इसलिए बच्चे को मक्खन खिलाइए। इस मक्खन के लिए तो किसने इतना झमेला किया? ये मक्खन कितना सात्विक है कि जो गोकुल के लोग मक्खन खाते थे उन्होंने कृष्ण का साथ नहीं छोड़ा। कितने राक्षस आए कृष्ण को मारने के लिए, पूतना आई, सट्टासुर आया, वाणावर्त आया, पता नहीं कितने सारे राक्षस, रोज के रोज राक्षस आते थे होलसेल में, लेकिन किसी ने कृष्ण का साथ नहीं छोड़ा। ये नहीं बोला जब से कृष्ण आया तब से पता नहीं क्या हेडेक हो गया, एकदम रोज एक नया नया राक्षस आता है, निकाले उसको गोकुल के बाहर। तो जो मक्खन खाने वाले थे उन मक्खन खाने वालों के अंदर इतना सात्विक बल था कि उन्होंने कृष्ण का साथ नहीं छोड़ा। आज हम लोग मक्खन नहीं खा रहे हैं, मक्खन नहीं खा रहे हैं, इससे क्या होता है? जब कोई करप्शन के अगेंस्ट में लड़ता है और थोड़ा सा मूवमेंट होता है, लड़ाई होती है, कभी आगे हो जाते हैं कभी पीछे हो जाते हैं, कृष्ण भी तो रण छोड़कर, तो सात्विक बल कहां से आएगा? उनके ना बीवी है ना बच्चे हैं ना कुछ है, किसके लिए लड़ रहे? हमारे बच्चों के लिए लड़ रहे हैं वो, और हम उनका साथ नहीं दे रहे। ये सात्विक बुद्धि आने के लिए, ये सात्विक बल के लिए मक्खन की आवश्यकता होती है, और वो मक्खन गाय का मक्खन होता है, लेकिन हम खिला रहे हैं बच्चों को बटर। ये बटर क्या चीज है? ये बटर है ना मारने की चीज है, खाने की चीज नहीं है। बॉस को लोग बटर मारते हैं, नेताओं को लोग बटर मारते हैं, तो बटर मारने की चीज है, ये खाने की चीज नहीं, मक्खन खाने की चीज है, इसलिए मक्खन खाइए और बच्चों को खिलाइए। अब इस मक्खन से बनता है घी, इसको आयुर्वेद कहता है आयुरेवघृतम। ये घी साक्षात आयु है, आयु यानी क्या? एज नहीं, आयु का अर्थ होता है स्वस्थ जीवन, एज का अर्थ क्या होता है? एक आदमी आईसीयू में पड़े पड़े 5 साल निकल देता है, उसकी एज बढ़ रही है, उसकी आयु नहीं बढ़ रही है। एक आदमी वेंटिलेटर पर पड़ा है, उसकी एज बढ़ रही है, आयु नहीं बढ़ रही है। आयु का अर्थ होता है स्वस्थ जीवन, और उस स्वस्थ जीवन का आधार क्या है? वो घी है। तो कैसी बदमाशी चल रही देश के अंदर, कहते घी मत खाओ। क्यों? घी खाओगे तो मोटापा बढ़ जाएगा, घी खाओगे तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा, घी खाओगे तो 40 साल के बाद डाइजेस्ट नहीं होगा, इसलिए घी मत खाओ। सबके सब झूठ बातें हैं। मेरे एक मित्र हैं, मित्र बाद में बने, उनके पिताजी का मैंने ट्रीटमेंट किया, वो आया मेरे पास कि मेरे पिताजी हैं 80 इयर्स के हैं, 2 साल से बेड पर हैं, एकदम बीच बीच में सीरियस हो जाते हैं, अब उनके जाने का समय आ गया, लेकिन हम चाहते हैं कि वो शांतिपूर्वक जाएं, तो कुछ ऐसी चीज दीजिए कि उनको थोड़ा स्ट्रेंथ आ जाए उनके शरीर में। तो मैंने कहा उनको आप दूध में एकदम गरम गरम दूध के अंदर 2 चम्मच घी डालकर उसको पिलाइए। उन्होंने कहा आपका दिमाग खराब हो गया, 80 इयर्स के हैं, डॉक्टर बोलते 40 के बाद भी खाने आता, डबल हो गया।
दो साल हो गया हमने उनको घी नहीं खिलाया है, वो बैठ के पढ़ा, कोई एक्सरसाइज नहीं करते हैं, हिलना नहीं है, डुलना नहीं है, और आप कहते हैं कि उनको घी खिलाओ। तो मैंने कहा, उनको समझाया, उन्होंने जाके अपने पिताजी को घी देना शुरू किया। चौथे दिन मेरे पास फोन आ गया, बोले उत्तम जी आज तो कमाल हो गया। मैंने कहा क्या हुआ? बोले मेरे पिताजी को हमेशा बैठाना पड़ता था, बैठ नहीं पाते थे अपने आप से, आज जब मैं गया सुबह सुबह तो देखा कि अपने आप से उठकर बैठ गए हैं। अभी ताली मत बजाइए, बहुत टाइम है, अभी आपको दूंगा आगे और चांस, अभी तो आधी बात बताइए। दसवें दिन उनका फोन आया कि मेरे पिताजी उठकर खड़े हो गए हैं। तो बोले क्या बात है? मैंने कहा बेड पर इसलिए पड़े थे क्योंकि उन्होंने घी नहीं खाया था, ये डॉक्टरों की मेहरबानी से वो बेड पर पड़ गए थे, और जब घी खाया तो उठकर खड़े हो गए।